हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है ए, यानी कि जो पहली पुस्तक है जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसकी इकाई 1 का पार्ट कौन सा है? 3rd, जिसका नाम है भारत और वैश्वीकरण। बच्चों, इसके कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, अब हम इसके कुछ जो बचे हुए टॉपिक है वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण के क्या कारण, बच्चों पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण को किस प्रकार बढ़ावा मिला है, ये सभी हमने पार्ट 1 में देखे हैं। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के कारण। तो वैश्वीकरण यानी कि विश्व के एकीकरण के क्या कारण हैं? वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है, यानी कि कोई किसी एक कारण के कारण वैश्वीकरण नहीं हुआ है। फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुई है, और जो प्रौद्योगिकी है वो वैश्वीकरण में यानी विश्व के एकीकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण साबित हुई है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप, इंटरनेट के नवीन आविष्कारों ने पूरी दुनिया में संचार क्रांति का सूत्रपात किया है। यानी कि जो इंटरनेट वगैरह जो है, जो टेलीफोन वगैरह है, उससे देश विदेश की खबरें हमें मिल जाती है और हम विश्व से जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि विश्व की कहीं की भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम एक दूसरे देशों से जुड़े हुए रहते हैं, जिससे विश्व का एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो इंटरनेट ने क्या किया है? विश्व के एकीकरण को बढ़ावा दिया है, और ये एक महत्वपूर्ण कारण है विश्व के एकीकरण का। उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के सभी विभिन्न भागों में आवाजाही बढ़ गई है। और इससे वैश्वीकरण से क्या हुआ है कि है ना, विश्व का एकीकरण हुआ है, जिससे क्या हुआ है कि आपस में लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे हैं, पूंजी का आदान प्रदान होने लगा है, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही बढ़ी है। लोग एक दूसरे देश में जा रहे हैं घूमने, पर्यटन करने, जिससे कि एक दूसरे को, दूसरे जो देश है उनको लाभ मिला है। विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। और जैसे कि अगर पूरे विश्व में कहीं भी एक कोई घटना घट गई, तो उसका प्रभाव पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पड़ता है। जैसे कि मान लो किसी देश में बाढ़ आ गई, तो उसकी हमें कहाँ पर, हमें दूर दूर तक खबर मिल जाएगी, हमारे देश में भी उसकी खबर आ जाएगी। हम उन खबरों को टेलीफोन, रेडियो की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से हम उन्हें सुन सकते हैं, उन घटनाओं के प्रभाव को देख सकते हैं। और अपने देश को भी, जैसे कहीं किसी दूसरे अन्य क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम भी सावधान हो जाते हैं उसे लेके। तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। वैश्वीकरण से क्या, सभी घटनाओं का प्रभाव एक दूसरे देश पर पड़ता है। वैश्वीकरण के कुछ गुण हैं, यानी कि कुछ महत्व है और कुछ दोष और हानियां हैं। हम देखेंगे इसके गुण यानी कि महत्व और लाभ। नवीन तकनीकों का आगमन। तो वैश्वीकरण से, विश्व के एकीकरण से क्या हुआ है बच्चों, जो नई, जैसे हमारा देश है, तो हमारा देश इतना विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, तो जो विकसित देश है उनके देशों की तकनीक हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिससे कि हमारे देश में भी, हमारे देश में जो उत्पादन होता है उसमें अच्छी तरीके से समृद्धि हो सके, या फिर अच्छी अच्छी तकनीकों का प्रयोग करके संसाधनों का अच्छी तरीके से आवंटन कर सके, या संसाधनों का अच्छी प्रकार से उपयोग कर सके। जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। और वैश्वीकरण यानी कि विश्व के एकीकरण से क्या हुआ है, जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, विदेशी विनियोजन में वृद्धि हुई है, विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और बच्चों क्या हुआ है कि जैसे वैश्वीकरण हुआ है, विश्व का एकीकरण हुआ है, तो लोग जो है वो एक दूसरे देश में जाने लगे हैं, एक दूसरे देश के लोग आपस में है ना रोजगार के लिए जाने लगे हैं। और जैसे हमारे देश के लोग हैं, भारत के जो देश है, वो कई बच्चे हैं ना भारत से, मतलब दूसरे देशों में पढ़ के आते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरीके से व्यवसाय वगैरह के तरीके सीख कर आते हैं, तो उससे हमारे देश को बहुत लाभ हुआ है। विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। और वैश्वीकरण, विश्व के एकीकरण से क्या हुआ है, अब एक दूसरे देशों में आपस में ट्रेड यानी कि जो व्यापार, बिजनेस है, वो होने लगा है, तो एक दूसरे देश की वस्तु इधर उधर आयात निर्यात होने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, और क्या हुआ है वैश्वीकरण से, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि हुई है। एक दूसरे देश क्या हुआ है, अपने हित को साध कर भी एक दूसरे के हित को साधते हैं, और उससे क्या करते हैं, सहयोग में वृद्धि करते हैं, यानी कि ना खुद को हानि हो और ना दूसरे को हानि हो। अब देखेंगे हम वैश्वीकरण के दोष, यानी कि वैश्वीकरण से क्या क्या हानियां हो सकती है। आर्थिक असंतुलन, बच्चों क्या हो सकता है कि कई बार जैसे कोई विकसित देश है और कोई विकासशील देश से अगर वो व्यापार कर रहा है, तो हो सकता है कि विकसित देश की जो वस्तु है उसको बनाने में उसकी लागत कम आ रही हो और उसे बेच रहा हो, लेकिन क्या विकासशील देश है ना, उसमें किसी भी चीज को या किसी भी उत्पाद को बनाने में है ना उसकी लागत ज्यादा आ रही हो, जब और वहां पे वह कम बेच पा रहा हो और कम मूल्य में वह जा रही हो, तो क्या होगा, आर्थिक असंतुलन होगा। वो तो हमारे देश से ज्यादा पैसा ले जाएंगे और हम अपने देश में क्या, कम पैसा
चला पाएंगे या कम पूंजी संचित कर पाएंगे उनके देश की। तो क्या होगा, ये आर्थिक संतुलन भी हो सकता है वैश्वीकरण यानी कि विश्व के एकीकरण से, घरेलू या देशी उद्योगों का पतन। और जैसे वैश्वीकरण होगा तो दूसरे देशों की वस्तुएं हमारे देश में आयात निर्यात होंगी, हमारे देश में उनकी वस्तुएं आएंगी, हमारे जो देशवासी है वो सस्ती वस्तुएं खरीदना पसंद करेंगे, और जिससे क्या होगा हमारे जो देश में बनी हुई चीजें उनमें लागत ज्यादा लगी है बनाने में, क्योंकि तकनीक भी इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या हुआ, लोग वो महंगी वाली वस्तु नहीं खरीदेंगे, घरेलू देश की बनी हुई वस्तु नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे दूसरे देश से बनी हुई वस्तु खरीदेंगे, सस्ती वस्तु खरीदेंगे, जिससे क्या होगा घरेलू और जो देश में जो बनी हुई वस्तु उनका पतन होगा, यानी कि उनका वो बिकेंगी नहीं या फिर देश को देश में उनका जो विक्रय होगा वो नहीं होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है ये हमने पार्ट वन में देखा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होता है, जो एक से अधिक देशों में या अधिक देशों में जिनके जो उनकी शाखाएं वो स्थापित होती है, जो बहुत सारे देशों में स्थापित होती है वो कंपनियां होती है। तो उनका क्या होगा, कई देशों में क्या होगा प्रभुत्व बढ़ेगा यानी कि उनका स्वामित्व बढ़ेगा, क्योंकि हर देश में उनकी शाखा होगी। तो क्या होगा, पूरे देश में सभी देशों में व्यापार करेंगे, वस्तुओं का विक्रय करेंगे, उनके पास उनका दबदबा होगा। तो क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा होगा वैश्वीकरण से, वो विश्व के एकीकरण से वो सभी देशों में अपनी अपनी शाखाएं स्थापित कर पाएंगी। बेरोजगारी में वृद्धि होगी, और क्या होगा वैश्वीकरण से अच्छी अच्छी तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, मशीनरी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो वहाँ पर जो रोजगार जो लोग रोजगार की उम्मीद रखते हैं, जो लोग उस जो व्यवसाय में लगे हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी, क्योंकि मशीनों से सारी चीज़ें बनेंगी। पहले के ज़माने में क्या होता था, कपड़े वगैरह होते थे वो हाथों से धुलते थे, तो वो लोगों का एक रोजगार था, एक घरेलू रोजगार था, कि जैसे वो कपड़े धोते थे किसी के तो उनको पैसे मिलते थे जिनसे उनका घर चलता था। लेकिन आजकल क्या होने लगा है, सभी चीज़ें मशीन से होने लगी है, और उसी प्रकार कंपनियों में क्या होता है, जैसे कोई सामान पैकिंग वगैरह का होता है वो आजकल मशीनों से हो जाता है, उसमें क्या हुआ उसमें है ना मतलब मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, तो उससे क्या हुआ है बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात, और राष्ट्र प्रेम की भावना को भी आघात होगा विश्व के एकीकरण से। जब दूसरे देशों की वस्तुएं हमारे देशों में सस्ती मिलेगी तो हम क्या करेंगे, अपने देश की बनी हुई वस्तुएं नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो महंगी है, तो उससे क्या होगा राष्ट्र प्रेम की भावना को भी आघात होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव बना रहेगा, और हमारे देश में और जो भी अन्य देश में उसमें क्या होगा, जो वैश्वीकरण है वो तो सभी देशों का होगा, सभी बड़े बड़े महाशक्तियों का, विकसित और विकासशील देश है उनका सबका वैश्वीकरण होगा, तो उससे क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हमारे देश में दबाव बनेगा। उपलब्धियां, अब वैश्वीकरण की यानी विश्व के एकीकरण की क्या क्या उपलब्धियां हैं और हमें क्या क्या लाभ हुए हैं इससे। आलोचनाओं के बावजूद विश्व व्यवस्था में वैश्वीकरण की सकारात्मक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। विगत 25 वर्षों में कई पिछड़े देशों की प्रगति व लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैश्वीकरण की निम्नलिखित उपलब्धियां गिनाई जा सकती है, तो देखते हैं बच्चों, तो पहली उपलब्धि क्या है, विकासशील देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा या दोगुना होना व शिशु मृत्यु दर का घटना। बच्चों क्या हुआ है कि जैसे देश विकासशील देश में है ना वृद्धि होने लगी, उत्पादन वगैरह अच्छे प्रकार से होने लगे, तो क्या हुआ जीवन प्रत्याशा दोगुनी हो गई। यानी कि पहले क्या होता था कि जैसे बच्चों मृत्यु ज्यादा होगी तो जन्म भी ज्यादा होंगे, तो क्या होगा मृत्यु ज्यादा होगी लोगों की तो वो जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी। लेकिन अच्छी अच्छी तकनीकें आ चुके हैं, अच्छे अच्छे इलाज आ चुके हैं, कई बड़ी बड़ी बीमारियों के भी इलाज आ चुके हैं, इससे तो क्या हुआ है जीवन प्रत्याशा बढ़ी, और जो छोटे छोटे बच्चों की जो शिशु मृत्यु दर थी वो पहले ज्यादा थी वो घटने लगी, यानी कि बच्चों की मृत्यु भी कम होने लगी है और जीवन प्रत्याशा दुगनी हुई है। वयस्क मताधिकार का व्यापक विस्तार, और जो वयस्क मताधिकार यानी कि जो बालक हो जाते हैं 18 साल के बाद, 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो बच्चे जो मत दे सकते हैं उनका मताधिकार का भी क्या हुआ है व्यापक विस्तार हुआ है। लोगों के भोजन में पौष्टिकता को बढ़ावा मिला है, बाल श्रम का घटा हुआ है यानी कि जो बाल श्रम में पहले क्या होता था कि जीवन प्रत्याशा कम थी तो छोटे छोटे बच्चों को कायम मजदूरी में लगा दिया जाता था, उससे कि वे अपना ना पढ़ाई कर पाते थे ना अपना बचपन देख पाते, वे छोटी सी 12 13 या 14 साल की उम्र में क्या करते थे चाय की होटल ऐसे में काम लगा देते थे उनके घर वाले, तो क्या हुआ उससे नुकसान होता था। तो आज ये कम हो गया क्योंकि बहुत जीवन प्रत्याशा बढ़ चुकी है, तो बहुत ऐसे जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो भी अपने व्यापार वगैरह करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, तो उससे अपने बच्चों को वो पढ़ा पाते हैं, उससे बाल श्रम घटा है। प्रति व्यक्ति को विद्युत कार रेडियो टेलीविजन टेलीफोन मोबाइल फोन आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाना, और वैश्वीकरण से क्या हुआ है जैसे प्रति व्यक्ति को विद्युत, पहले के जमाने क्या में क्या होता था किसी के पास कार रेडियो कोई बहुत अमीर जो लोग होते थे ना उन्हीं के पास होते थे, लेकिन अब क्या हुआ है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, तो जो विदेशों में जो सस्ते मोबाइल फोन बने हैं वो हमारे देश में भी बिकने लगे हैं, और जैसे कि अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनसे मोबाइल फोन रखना भी आसान हुआ है, और हर प्रकार का या गरीब से गरीब व्यक्ति भी मोबाइल फोन खरीद सकता है।
ये क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर वो जो मोबाइल फोन बन रहे हैं उनकी लागत कम है और हमारे देश में वो सस्ते में मिल जाते हैं, और अगर हमारे देश में ये बने तो उनकी लागत होगी महंगी होगी और हमें वो महंगाई महंगे दामों पर मिलेगा, इसलिए वो उसे हम नहीं खरीद पाते। लेकिन वैश्वीकरण से ये सब आसान हो चुका है। स्वच्छ जल उपलब्ध कराना और नई नई तकनीकों के कारण क्या हुआ है, हमें स्वच्छ जल भी उपलब्ध हुआ है। प्रत्येक सेवा क्षेत्र के अभूतपूर्व सुधार, और प्रत्येक सेवा क्षेत्र में हमें बहुत सुधार देखने को मिलते हैं। जीवन को अधिक अधिक खुशहाल बनाया है, और हमारे जीवन को बहुत अधिक खुशहाल बनाया है वैश्वीकरण ने। पहले के ज़माने में हम दूसरे देशों में घूमने नहीं जा सकते थे, और लेकिन आज हम जा सकते हैं, वहाँ की व्यवस्था को भी देख सकते हैं, तो उससे हमारे जीवन में अधिक खुशहालता आई है और हम बहुत खुशहाल होने लगे हैं। हमारी वस्तुएं जो हैं वो विदेशों में बिक रही है, जिससे कि विदेशी पूंजी हमारे देश में आ रही है, जिससे हमारे देश को भी बहुत लाभ हो रहा है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, और भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा है? वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। जैसे कि क्या हुआ है बच्चों, वैश्वीकरण से जैसे देश विदेश में व्यापार होता है, तो जो हमारे जो बड़े बड़े व्यापार है ना, जो अपनी वस्तु बचा जो बनाते हैं और उनकी लागत कमाती है, वह क्या करते हैं, दूसरे देशों में अपनी वस्तु बेचेंगे, जिनसे उनको क्या होगा, लाभ प्राप्त हुआ है। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा, और उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि कई कई लोगों को इसकी हानि भी हुई है। जैसे कि मजदूर वर्ग है, तो जब बहुत सारी मशीनों से उत्पादन किया जा रहा है, तो श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी। तो वैश्वीकरण का प्रभाव सभी वर्गों पर एक जैसा नहीं पड़ा है। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है, और जो कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में स्थित है, जो जिनके मालिक भारतीय हैं, उनको इस प्रतिस्पर्धा से यानी कि इस कॉम्पिटिशन से बहुत लाभ हुआ है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है, यानी कि इनका उत्पादन बढ़ा है। वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि जो वैश्वीकरण है उसको अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है, हमें क्या क्या कर सकते हैं उसको न्यायसंगत बनाने के लिए? सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो सरकार मतलब वैश्वीकरण को अधिक लाभान्वित बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं वगैरह चला सकती है, उसकी भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। जो वैश्वीकरण है उससे मतलब धनी लोगों को ही लाभ नहीं देना चाहिए, इससे सभी देश के जो लोग हैं ना, उनके हितों का भी संरक्षण करना चाहिए हमें वैश्वीकरण से, और वो कौन कर सकता है, सरकार कर सकती है। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित, कि सरकार यह सुनिश्चित कर देगी कि जो श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी जो जो उनकी मजदूरी मिलती है, वो मतलब उसके उसको नियत कर सकती है, उसको फिक्स कर सकती है कि आपको मजदूरों को इतनी मजदूरी तो देनी ही होगी, कम से कम इतनी मजदूरी तो वो कि वो लायक है, उनको मजदूरी इतनी आवश्यक है, आपको इतनी मजदूरी उनको देनी पड़ेगी, यानी कि मजदूरी निश्चित कर सकती है सरकार। कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले, और उनका जो कार्य वो उनका कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले, और सभी जो मजदूर लोग हैं उनके उनके जो अधिकार है उनका, उनको मतलब कोई उनकी सैलरी ना हड़पे, जो कई कंपनियां होती है वो उनसे मतलब गलत तरीके से काम ना ले सके, उनके अधिकारों को उन्हें उनके अधिकार जो हैं वो उन्हें मिले। ये छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। और सरकार जो क्या हो, जो कई छोटे छोटे जो उत्पादक हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं वो लोग, उनको प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम यानी कंपटीशन के लिए वे बना सकती, सरकार सक्षम बना सकती। सरकार को उन लोगों को क्या करना चाहिए, छोटी मोटी मदद देनी चाहिए, धन की मदद देनी चाहिए, लोन वगैरह देने चाहिए जिसकी ब्याज दर कम हो। तो क्या होगा, वो जो छोटे छोटे उत्पादक है, वो छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना, जो छोटे छोटे, वो भी प्रतिस्पर्धा के यानी कॉम्पिटिशन के लायक बन जाएंगे, और वह भी फिर बाद में जब उनका उनका उत्पादन बढ़ने लगेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे देशों से अपनी जो वस्तु की है उसकी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है, और न्यायसंगत जो नियम है उनके लिए वह WTO से समझौते भी कर सकती है। जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है, और ज्यादा जैसे क्या हुआ कि जैसे सरकार ने सारे अवरोध यानी कि रोक वगैरह हटा दिए हैं, टैक्स वगैरह हटा दिए, मुक्त व्यापार खोल दिया है, तो सरकार क्या कर सकती है कि जो छोटे छोटे जो उद्योग है, जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए मतलब व्यापार है ना, निवेश अवरोधों का भी उपयोग कर सकती है, यानी कि टैक्स वगैरह को भी छोटे छोटे
उद्योगों पे जो वहाँ बाहर से आ रहे हैं ना, उनको मतलब उन पे टैक्स वैक्स थोड़ा इतना लगा सकती है कि वो, ताकि जो हमारे देश में जो उत्पादन हो रहे हैं कम से कम उनके बराबर उनकी लागत हो, या उनके बराबर भी ही वह लाभ कमा सके, यानी कि वह ज़्यादा लाभ ना कमा सके, एक सीमा के अंतर्गत ही वह लाभ कमा सके, ताकि दूसरा देश पूरा लाभ को न ले जाए, हमारे देश की जो घरेलू उद्योग है उनको भी लाभ प्राप्त हो सके, तो उसके अनुसार वह अवरोधों को उपयोग कर सकती है। जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यानी कि जनता को भी बढ़ावा देना चाहिए कि हमारे जो देश में जो देशीय घरेलू वस्तु बन रही है उनका वह भी उपयोग करें, न कि सिर्फ जो विदेशों से आ रही वस्तुओं का ही उपयोग करें। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं है, यानी कि सभी के लिए लाभदायक नहीं है। शिक्षित कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, यानी कि जो संपन्न बिजनेसमैन हैं, जिनकी मतलब उनका उत्पादन इतना है कि उनकी लागत कम लग रही है, या वो अपने बिजनेस का पूरी तरीके से लाभ उठा रहे हैं विदेशों में अपनी वस्तुओं को बेचकर, तो क्या उनको तो लाभ हुआ ही है सर्वोत्तम, उनका वे अच्छी तरीके से वैश्वीकरण का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके जिनके छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं और जिनकी लागत वस्तुओं को बनाने में अधिक आ रही है, वह उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मान लो कि वो अपनी छोट वस्तु को, उनकी पहले ही लागत ज़्यादा आ रही है, तो अपनी वस्तु को क्या करेंगे, विदेशों में अपना लाभ ज़्यादा मतलब थोड़ा लाभ ऐड करके उसको बेचेंगे, फिर भी उसकी लागत मतलब उसे विदेशों में कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उसकी वस्तु बिकेगी नहीं, तो उसे लाभ होगा नहीं। और उसी प्रकार क्या जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, वो उनकी वस्तुओं की लागत कम आती है, तो वो उनको थोड़े अच्छे प्रकार से बेच सकते हैं और उनकी वस्तुओं को विदेशों में खरीदा भी जाता है, तो उनको तो लाभ हुआ है। और जबकि छोटे छोटे जो उद्योग धंधे के जो व्यवसायी हैं, उनको लाभ नहीं हुआ है। विदेश व्यापार, विदेशी निवेश का उदारीकरण। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया है। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था, और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती, इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम आयात की ही अनुमति दी। व्यापार अवरोधों, आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो क्या हुआ, भारत ने क्या किया कि मतलब बहुत सारी चीज़ों पर रोक हटाई है, और बहुत सारी चीज़ों पर अभी भी रोक है, जैसे कि मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम वगैरह है, इनकी आयात की अनुमति दे दी है, ताकि ये जो भारत में जो उद्योग है, जो लोग इसे चला रहे हैं, वो उसे बेच पाए और दूसरे देशों से लाभ बेच कर कमा सके, यानी दूसरे देशों को बेचेंगे तो उससे लाभ होगा। वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है, तो हम देखेंगे कि वैश्वीकरण के प्रभाव किन किन चीज़ों पर किस प्रकार पड़ते हैं, और किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। राजनीतिक आयाम, सकारात्मक प्रभाव किस प्रकार रहे हैं राजनीतिक आयाम पर, राज्य की क्षमता में वृद्धि। तो क्या हुआ, जब कोई भी राज्य अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचेगा, तो उससे क्या होगा, राज्य की क्षमता में, कैपेसिटी में वृद्धि होगी। नागरिकों एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का व्यवस्थित संग्रहण होगा, और नागरिकों एवं अन्य वस्तुओं का क्या होगा, महत्वपूर्ण सूचनाओं का व्यवस्थित संग्रहण होगा। देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में वृद्धि होगी, अच्छी प्रकार से हो पाएगी। प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं पर साझा कार्रवाई होगी। और मान लो जैसे कि किसी देश पर आक्रमण कर दिया किसी देश ने, तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वगैरह है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो WTO वगैरह है, वे उन देशों में समझाइश करेगी, ताकि युद्ध वुद्ध ना हो और देशों को हानि ना हो। अब वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं राजनीतिक आयाम पर, वो क्या है देखते हैं। राज्य की क्षमता में कमी भी हुई है, राज्य की संप्रभुता प्रभावित, जैसे किसी राज्य पर की जो संप्रभु, अगर मान लो किसी राज्य में दूसरे देश की वस्तु आएगी, बिकेगी और वहाँ की जनता उस वस्तु को खरीदेगी, तो वहाँ की जो घरेलू वस्तु है वो बिक नहीं पाएगी, तो उसकी संप्रभुता प्रभावित हुई है। कल्याणकारी राज्य की धारणा का कमजोर होना, विदेश नीति निर्धारण में कठिनाई आई है बाजार प्रमुख निर्णायक के रूप में। अब देखिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम पर क्या प्रभाव पड़े हैं, तो सांस्कृतिक आयाम पर सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। तो हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव, सांस्कृतिक अंतर्क्रिया, लोगों की पसंद नापसंद के अधिक विकल्प। तो क्या हुआ, वैश्वीकरण से बहुत प्रकार की वस्तुएं मिलने लगी, जैसे कि बिस्किट है, तो बिस्किट पार्ले जी भी है, सनफिस्ट, अनेक प्रकार के बिस्किट मिलते हैं बाजार में, तो हमें एक बिस्किट पसंद नहीं है तो दूसरा बिस्किट हम खरीद लेंगे। और क्या होता है कि जैसे एक बिस्किट खरीदा, अगर वो 5 रुपए का मिल रहा है, तो दूसरी कंपनी जो दूसरे बिस्किट का उत्पादन करेगी या उसको बनाएगी, तो क्या करेगी कि कीमत उसी के आसपास हो, ताकि वह उसके विकल्प में यानी ऑप्शन में हो, हम उसे अच्छी प्रकार से खरीद सके। वेशभूषा पर प्रभाव, नीली जींस, धोती, कुर्ता, साड़ी, जैसे क्या हुआ है बच्चों, जो नीली जींस की जो चलन है वो अमेरिका में था, लेकिन आज क्या हुआ है कि हमारे देश में भी नीली जींस का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, और हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अब हमें हमारे व्यवहार में आ चुका है, हमें ये नहीं लगता कि हम दूसरे देश की संस्कृति को
अपना रहे हैं धोती कुर्ता साड़ी, और हमारे जैसे देश के जो पहनावा है धोती कुर्ता साड़ी उसे क्या करने लगे हम, वो हमारे दूसरे देशों में भी पहना जाने लगा है, और नीली जींस का जो है वो हमारे व्यवहार में आ गया है, जबकि ये संस्कृति किसकी है, ये अमेरिका की संस्कृति है, वहाँ के वहाँ में वहाँ पर इसे सबसे ज़्यादा पहना जाता था, लेकिन आजकल इसे पूरे विश्व में सभी जगह पहना जाता है। खान पान पर प्रभाव पड़ा है, बर्गराइजेशन, जैसे क्या होता था पहले हम दाल रोटी सिंपल खाना खाते थे हमारे देश में, अब क्या होने लगा है हम भी जैसे चाइनीज फूड वगैरह खाने लगे हैं, तो इसका क्या हुआ है हमारे देश पर में भी प्रभाव पड़ा है। अब इसमें देखेंगे हम सांस्कृतिक आयाम पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं, तो शक्तिशाली समाज की संस्कृति हावी हुई है, जैसे कि हमारा जो देश है जो अमेरिका है उसकी शक्तिशाली शक्तिशाली वो देश है अमेरिका विकसित देश है, तो उसकी नीली जींस की जो संस्कृति थी वो हमने अपना ली, तो जो बड़े बड़े जो शक्तिशाली समाज है उनकी संस्कृति भी छोटे छोटे देशों पर या विकासशील देशों पर हावी हुई है। संस्कृतियों का पाश्चात्यकरण हुआ है, मौलिक संस्कृति के सांस्कृतिक पहचान पर संकट है, और प्रौढ़ एवं युवा पीढ़ी में तनाव है। प्रौद्योगिकी आयाम, अब हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का प्रौद्योगिकी आयाम पर क्या प्रभाव पड़े हैं, और किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, और किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। तो सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं देखेंगे कौन कौन से हैं, विश्व के देशों और जनता का जुड़ाव, विश्व से क्या हुआ है विश्व के देशों यानी कि जो विश्व में जो बहुत दुनिया के सभी देश हैं उनका आपस में जुड़ाव हुआ है, या जनता का भी आपस में जुड़ाव हुआ है, जनता भी एक दूसरे देशों में जाना घूमना पसंद करने लगी है। धन, समय और धन की बचत हुई है, उससे क्या हुआ जैसे आजकल हमें कोई छोटी मोटी जानकारी होती है वो तो इंटरनेट से ही मिल जाती है, विश्व की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है, जिससे क्या होता है कि समय और धन की बचत हुई है। और राज्यों के शासन व्यवस्था की मजबूती हुई है, कृषि परिवहन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी में बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए हैं वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी आयाम में, तो साइबर क्राइम होने लगे, जैसे कि हैकिंग वगैरह इसको ये लोग करने लगे हैं, आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं, और प्रौद्योगिकी आयाम के कारण क्या हुआ है कि आतंकवादी जो लोग होते हैं वो भी अपना अपने इसको बुरी मतलब इसको गलत तरीके से उपयोग में लेते हैं, तो इससे आतंकवाद की घटनाओं में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा का एक आयाम, और प्रौद्योगिकी की सहायता से हम अच्छी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, और पर्यावरण विनाश, उससे क्या हुआ है कि पर्यावरण को भी हानि हुई है, पर्यावरण का भी विनाश हुआ है। तो बच्चों ये थे इसके सकारात्मक प्रभाव और ये थे इसके नकारात्मक प्रभाव। अब हम देखेंगे इसके आर्थिक की जो आर्थिक आयाम है उसको क्या हुआ है वैश्वीकरण से उस पर क्या किस प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं और किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। तो सकारात्मक, आर्थिक प्रभाव तीव्र हुआ है, परस्पर निर्भरता का विस्तार हुआ है, व्यापारिक प्रतिबंधों की कमी आई है, विदेशी पूंजी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी इसमें बढ़ोतरी हुई है, निश्चित एवं आर्थिक श्रम नियम बढ़े हैं यानी कि जो निश्चित है वो आर्थिक श्रम नहीं है वो लागू कर दिए गए हैं, और जो एक दूसरे देशों में क्या हुआ एक दूसरे देश क्या पसंद करता है एक दूसरे देशों में निवेश कर रहा है, जिससे कि एक दूसरे देशों की पूंजी है जो मुद्रा है वो एक दूसरे देशों में संचित हो पा रही है या उसका आवागमन हो पा रहा है। अब देखेंगे कि वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम पे क्या नकारात्मक प्रभाव है, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा, अधिक से अधिक लाभ और कम से कम घाटा, गरीब देशों के आर्थिक हितों की अनदेखी, जो गरीब देश है यानी कि जो विकासशील देश है और जिनकी विकास करने की गति कम है या दर कम है उनको इससे हानि हुई है, या उनकी उनके जो आर्थिक हित है उनकी अनदेखी की जा रही है या की जा विकासशील देशों के उद्योग धंधों लघु एवं कुटीर उद्योगों का अहित। अब क्या होता है बच्चों की जैसे बड़े बड़े जो उद्योग है ना उनकी तो उत्पादन लागत कम होती है तो उनको तो लाभ हो जाता है, इससे आयात निर्यात करते हैं मतलब विदेशों में अपनी वस्तुओं को बेचते हैं तो उससे तो उन्हें लाभ हो जाता है, लेकिन जो छोटे देश है ना जो छोटे कुटीर उद्योग है जो छोटे छोटे उद्योग है जो घरेलू उद्योग है जो देशी उनको क्या उससे हानि हुई है क्योंकि उनकी लागत कम है और वो कम वस्तु में कम मूल्य में से बेच नहीं सकते क्योंकि उनकी मेहनत इतनी लग जाती है तो उनकी जो वस्तु उनको लोग खरीदना पसंद नहीं करते जिनसे कि उन्हें लाभ नहीं होता तो उनको मतलब छोटे जो उद्योग है उनको हानि हुई है। बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है और मशीनरी वगैरह का जिस प्रकार आवागमन हुआ है तो जो मजदूर वगैरह उनको हटा दिया गया है तो क्या हुआ है इससे बेरोजगारी दर में वृद्धि आई है, लोग इससे बेरोजगार होने लगे हैं, असंगठित क्षेत्रों में वृद्धि और असंगठित क्षेत्रों में वृद्धि होती है। तो बच्चों आज हमने देखा हमने पढ़ा पार्ट, ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है भारत और वैश्वीकरण। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।